2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक को साल 2021 में टाल दिया गया था और अब 2021 में भी इस ओलंपिक के होने की संभावना काफी कम बताई जा रही है और वजह है कोरोना वायरस। रिपोर्ट्स का दावा है कि जापान सरकार ने इसे रद्द करने का पूरा मन बना लिया है। एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि जापान की सरकार ने खेलों के सबसे बड़े आयोजन को रद्द करने का इरादा कोरोना महामारी के चलते बनाया है। सरकार का कहना है कि महामारी के हालत में खेलों के महाकुंभ का आयोजन नहीं किया जा सकता। ये दावा जापान के पीएम योशिंदे सुगा की पार्टी के एक सीनियर मोस्ट अधिकारी के हवाले से की गई है। जापान सरकार की नजर अब 2032 में होने वाले खेलों की मेजबानी के लिए टोक्यो की दावेदारी पर है। टोक्यो में ओलंपिक गेम्स पहले साल 2020 में होने थे, लेकिन फिर कोरोना के कहर के चलते इसे 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था। ये खेल इस साल जुलाई अगस्त में होने थे और रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जापान की 80% जनता ये नहीं चाहती है कि इस साल समर ओलंपिक्स का आयोजन हो। ये खुलासा जापान सरकार की ओर से हाल ही में कराए गए एक सर्वे में किया गया। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि निजी तौर पर उन्हें नहीं लगता कि खेलों का आयोजन इस साल होगा। हालांकि खेल के आयोजकों ने इस रिपोर्ट पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। आयोजकों और जापान सरकार की पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि खेल 29 जुलाई से शुरू होंगे। उधर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बैच ने भी क्यूडो न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में फिर से श्योर किया था कि वो इस साल खेलों के आयोजन में अपने कमिटमेंट पर अडिग हैं। उन्होंने कहा था, हमारे पास फिलहाल कोई वजह नहीं है जिससे हम कहें कि टोक्यो में ओलंपिक खेल 23 जुलाई से नहीं हो सकते। हालांकि टोक्यो ओलंपिक के स्थगित होने की ऑफिशियल खबर तो नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों का तो यही मानना है कि वहां की जनता और कमेटी ने भी लगभग ये तय कर लिया है कि टोक्यो ओलंपिक इस साल नहीं होंगे। टोक्यो ओलंपिक का भविष्य तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।